दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अगले 2 से 4 डिग्री तक लुढ़केगा पारा, इन जिलों में बना रहेगा कोहरा का प्रभाव। जी देखिए, राजधानी समेत प्रदेश में पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है, इसी कारण तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। वही देखिए, मौसम पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के उत्तरी भागों में कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। अगले 5 दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं प्रदेश के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में सुबह के समय कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। अन्य जिलों का मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं देखिए, पछुआ हवा के कारण ठंड अभी बरकरार है। सुबह धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिल रही है, हालांकि पछुआ हवा के कारण मौसम में ठंडक बरकरार है। बड़ी खबर में देखिए, पटना गया मेमू पैसेंजर ट्रेन का बदला गया समय। जी देखिए, गया से पटना व पटना से गया जाने वाले रेल यात्रियों के लिए खास खबर है। पटना गया मेमू ट्रेन के समय में परिवर्तन किया गया है। इसकी जानकारी लगातार पूछताछ कार्यालय से रेल यात्री को दी जा रही है, ताकि रेल यात्री को रेल सफर करने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 12 फरवरी से गाड़ी संख्या 03337 पटना गया मेमू का गया स्टेशन पर संशोधित आगमन समय 9:30 में खुलेगी। वही गाड़ी संख्या 03335 पटना गया मेमू का गया स्टेशन पर संशोधित आगमन समय 8:20 में खुलेगी। वहीं इसके अलावा गाड़ी संख्या 03263 पटना गया मेमू का गया स्टेशन पर संशोधित आगमन समय 1:05 में कर दिया गया है। वहीं शाम में खुलने वाली गाड़ी संख्या 03365 पटना गया मेमू का गया स्टेशन पर संशोधित आगमन समय 4:45 यानी कि शाम को किया गया है। बड़ी खबर में देखिए, 31 मार्च तक आधार से लिंक करा ले पैन, नहीं तो रद्द होगा। जी देखिए, सभी पैन कार्ड को 31 मार्च तक आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। यदि 31 मार्च तक पैन लिंक नहीं हुआ तो यह अवैध और निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर विभाग ने अपने सत्यापित ट्विटर अकाउंट पर इस बात की जानकारी साझा की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैन कार्ड धारक www.incometax.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपने पैन कार्ड को वैध आधार कार्ड से जोड़ सकते हैं। इसके लिए ₹1000 का शुल्क देना होगा। वहीं सूत्रों की माने तो आधार कार्ड से पैन कार्ड तभी लिंक होगा जब आधार कार्ड अपडेट रहेगा और दोनों कार्ड पर दी गई जानकारी एक समान होगी। साथ ही लोग कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी बहुत आसानी से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, गलत मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों पर लगेगा 10,000 का जुर्माना, छीन लिया जाएगा यह अधिकार। यह देखिए, CBSE के 10वीं और 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में गलत मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों पर जुर्माना लगेगा। साथ ही जो शिक्षक अंक जोड़ने, स्टेप वाइज अंक देने, अधूरा मूल्यांकन करने जैसी गलतियां करेंगे, उनको आगे से मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जाएगा और उनको हमेशा के लिए इस कार्य से अलग कर दिया जाएगा। गलती करने वाले शिक्षक पर अधिकतम 10,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। CBSE ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर सूचना सभी स्कूल को भेज दी है। बोर्ड ने स्कूल को कहा है कि मूल्यांकन में लापरवाही करने वाले शिक्षक पर कार्रवाई भी की जाएगी। साल 2022 के 10वीं और 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन में परीक्षकों ने कई गलतियां की थी। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों ने उत्तर पुस्तिका के पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन किया तो कुछ गलतियां सामने आई। बिहार में 200 से ज्यादा शिक्षकों ने उत्तर पुस्तिका पर अंक देने में गड़बड़ी की थी। कई शिक्षकों ने अंक कम दिए तो कुछ ने अंक जोड़ने में गलती की, कुछ ने अधूरा मूल्यांकन किया, कई शिक्षकों ने कॉपी पर अंक कुछ और एंट्री में कुछ और अंक लिख दिए। बड़े घर में देखिए, पटना में 3 साल में बनेंगे 3 5-स्टार होटल, 900 करोड़ की होगी लागत, पर्यटन को लगेंगे पंख। यह देखिए, पटना में 3 वर्ष के भीतर 3 5-स्टार होटल बन जाएंगे। निजी क्षेत्र के भागीदारी से होटल पाटलिपुत्र, अशोक सुल्तान पैलेस और बाकीपुर बस स्टैंड परिसर में इन होटलों का निर्माण होगा। इनमें कुल 1075 कमरे होंगे। लगभग 900 करोड़ की लागत से बनने वाले इन होटलों से प्रत्यक्ष तौर पर 1500 तो अप्रत्यक्ष तौर पर 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। निर्माण शुरू करने के लिए पर्यटन विभाग जल्द टेंडर जारी करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में 2.5 करोड़ से अधिक पर्यटन हर साल आते हैं। राजधानी सहित पूरे राज्य में अभी 5-स्टार होटल नहीं होने से पर्यटकों को परेशानी होती है। पर्यटकों को आधुनिक सुविधा और गुणवत्तापूर्ण पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पटना में 3 स्थानों पर 5-सितारा होटल खोलने का निर्णय लिया गया है।
बड़े घर में देखिए पूर्णिया में मुख्यमंत्री की यात्रा का विरोध, वकीलों ने कहा समाधान नहीं समस्या लेकर आए हैं नीतीश कुमार। ज्यादा की समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने विकास योजनाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। हालांकि यहां सीएम को लोगों को विरोध का सामना भी करना पड़ा। सीएम की समाधान यात्रा के दौरान हुई परेशानी को लेकर वकीलों ने सीएम नीतीश का विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। देखिए वकीलों का कहना था कि नीतीश समाधान यात्रा नहीं बल्कि पूर्णिया के लिए समस्या लेकर आए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा को लेकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। कलेक्ट्रेट परिसर के चारों ओर गेट को बंद कर दिया गया था, जिसको लेकर व्यवहार न्यायालय के वकीलों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और जिलाधिकारी कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया। इसी बीच वकीलों ने इसकी सूचना जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार को भी दे दी। बाद में सिर्फ वकीलों के लिए कलेक्ट्रेट गेट को खोल दिया गया। बड़े घर में देखे शराबबंदी खत्म करें नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर बोले बिहार को हो रहा है बड़ा नुकसान। जहाँ देखिये बिहार में सियासी जमीन तलाश कर रहे प्रशांत किशोर शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहे हैं। प्रशांत किशोर गांव-गांव घूमकर लोगों को सरकार की खामियां बता रहे हैं। पीके ने एक बार फिर से कह दिया कि शराबबंदी से बिहार को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं शायद उन्हें पता नहीं कि बापू शराबबंदी के पक्ष पर कभी नहीं थे। उन्होंने कहा कि शराबबंदी गलत है और बिहार में लागू शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। वहीं शराबबंदी पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि वे पहले दिन से बोलते रहे कि शराबबंदी से बिहार और बिहार के लोगों को कोई फायदा नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि किसी देश और राज्य में शराबबंदी लागू हुई तो वहाँ के सामाजिक और राजनीतिक उत्थान हुआ है। उन्होंने कहा कि वे हर दिन लोगों के बीच खुले मन से कहते हैं कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून को वापस लेना चाहिए। बड़ेकर में देखे राजद सुप्रीमो लालू यादव आज यानी 11 फरवरी को आएंगे भारत, बेटी रोहिणी आचार्य ने दी जानकारी। जहाँ देखिए पिछले कई दिनों से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के भारत आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब उनके समर्थकों और प्रशासकों का इंतजार खत्म हो गया है। लालू प्रसाद यादव 11 फरवरी को भारत आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आप सबसे एक जरूरी बात कहनी है, यह जरूरी बात हम सबों के नेता लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर है। 11 फरवरी को पापा सिंगापुर से भारत जा रहे हैं, मैं एक बेटे के तौर पर अपना फर्ज अदा कर रही हूं। पापा का स्वास्थ्य कर आप सबके बीच भेज रही हूं। अब आप लोग पापा का ख्याल रखिएगा। बड़े घर में देखे तेजस्वी यादव बोले उपेंद्र कुशवाहा से आरजेडी के कोई नहीं है दुश्मनी, जनता हमारे साथ है, जनता जो चाहेगी वही होगा। जहाँ देखे राजद नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि लोकतंत्र में मालिक जनता है। महागठबंधन के नेता के रूप में उपेंद्र कुशवाहा द्वारा अस्वीकार किए जाने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब उनकी क्या राय है वो बोलते रहे, हमें पता है कि जनता मालिक है और जनता हमारे साथ है, जनता जो चाहेगी वही होगा। तेजस्वी ने कहा कि हमारा उपेंद्र कुशवाहा से कोई बैर नहीं है, कुशवाहा हमारे साथ है, आए थे तो हमने उनका सम्मान किया था। तेजस्वी ने कहा कि पूर्णिया में महागठबंधन के सातों दलों के साथ हम लोग 25 फरवरी को जनसभा करने जा रहे हैं। हमारी लड़ाई नेतृत्व पाने के लिए नहीं बल्कि देश में नेतृत्व बदलने के लिए है। वहीं उन्होंने कहा कि अमित शाह के 25 फरवरी को चंपारण दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी को कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी यहां आ जा सकता है, जनसभा कर सकता है। वर्दी की चार रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी, बिहार पुलिस में 67,000 नए पदों का होगा सृजन, इन पदों पर होगी सीधी बहाली। जी हाँ देखिये वर्दी की चार रखने वाले युवाओं को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बिहार सरकार ने राज्य में पुलिस के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। गृह विभाग ने बुधवार को इसको लेकर संकल्प जारी कर दिया है। वायदे के मिले जानकारी के अनुसार गृह विभाग ने कैबिनेट बैठक के बाद पुलिस के 67,000 नए पदों के सृजन का संकल्प जारी कर दिया है। इन पदों पर एक साल में करीब 4,182,28,00,000 रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया है। बिहार पुलिस में आगामी 3 सालों के अंदर राज्य में 2.56 लाख पुलिस कर्मी की जरूरत को पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है। इसको लेकर इस 67,000 नए पदों के सृजन के बाद 48,477 पदों पर डायरेक्ट भर्ती की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि बिहार पुलिस की सीधी भर्ती के तहत 48,777 पदों में से 20,937 पद दारोगा और उसके बराबर होंगे। वहीं सिपाही के 22,010 पद, ड्राइवर के 5,500 पदों पर सीधी भर्ती होगी। इसके साथ ही इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम का दूसरा चरण लागू करने के लिए 19,288 पद भरे जाएंगे। वहीं डायल 112 के लिए इंस्पेक्टर रैंक में 259, दारोगा के 1829, जमादार के 1218, हवालदार के 2943, चालक हवालदार के 694,
चालक सिपाही के 2353 और सिपाही के 9992 पद भरे जाएंगे। इसको लेकर वित्त विभाग और कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बाड़े खबर में देखिए, तेजस्वी ने कर दिया ऐलान, मोइनुल हक स्टेडियम में जल्द होगा इंटरनेशनल मैच। जहाँ देखिए, पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गुरुवार को नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेट मीट का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि अब जल्द ही मोइनुल हक स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच लोग देखेंगे। बिहार सरकार मोइनुल हक स्टेडियम का नया निर्माण कराने जा रही है। अब जल्द ही हम लोग वहां इंटरनेशनल मैच देख सकेंगे। पुरानों यादों को याद करते हुए तेजस्वी ने कहा कि जब हम छोटे थे तब केन्या और जिम्बाब्वे के बीच मोइनुल हक स्टेडियम में मैच को देखे थे। इस मैच के बाद आज तक कोई इंटरनेशनल मैच मोइनुल हक स्टेडियम में नहीं हुआ है। पटना में इस इंटरनेशनल स्टेडियम बनने के बाद लोग अपने चहेते खिलाड़ियों को मोइनुल हक स्टेडियम में खेलते हुए देखेंगे। हमारी यही कोशिश होगी। बाड़ी खबर में देखे, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, इन 7 जिलों में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए हॉस्टल का होगा निर्माण। जहाँ देखिए, बिहार सचिवालय में नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक बुधवार को हुई थी। इस बैठक में कुल 18 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी थी, जहाँ सीएम कैबिनेट ने पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए बड़ा उपहार दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कैबिनेट में राज्य के 7 जिलों शिवहर, मधुबनी, वैशाली, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, गया और लखीसराय में 100 बेड के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के रहने के लिए हॉस्टल का निर्माण होगा। बुधवार को एक कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है। देखिए, इस हॉस्टल के निर्माण पर कुल 34,91,81,000 रुपए खर्च होंगे। प्रत्येक हॉस्टल के निर्माण पर 4,98,00,000 की योजना है। खबर में देखिए, बिहार में 7वें चरण के शिक्षक बहाली जल्द, 50% पदों पर सीधी नियुक्ति, प्रशासन को भेजी गई नियमावली। जहाँ देखिए, बिहार में सभी तरह के शिक्षक की नियुक्ति के लिए एक ही प्रकार की नियमावली बनाई गई है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी नियमावली के विभागीय प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। प्रस्तावित नियमावली की खास बात यह होगी कि रिक्त पदों में से 50% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। साथ ही प्रस्तावित नियमावली में अर्जित अवकाश 2 गुना कर दिया गया है। वहीं देखिए, शिक्षा मंत्री के अनुमति के बाद औपचारिक मंजूरी के लिए प्रस्ताव सामान्य प्रशासन, वित्त और विधि विभाग को भेज दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही कि होली से पहले कैबिनेट हर हाल में शिक्षक नियमावली हरी झंडी दे दी है। जानकारी के मुताबिक नियमावली में नियुक्तियों और प्रमोशन के अलावा सेवा शर्तों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।